की राजधानी दिल्ली से देवभूमि उत्तराखंड को जोड़ने वाली प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का देवबन पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। वंदे भारत द्वारा देवबन पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वादा करते हैं उसे अवश्य पूरा करते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस देहरादून, हरिद्वार और रुड़की और सहारनपुर से होते हुए देवबन पहुंची। हालांकि इस ट्रेन का देवबन में स्टॉपेज नहीं है, लेकिन इसे विशेष रूप से देवबन में रोका गया था। दोपहर के समय रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचते ही ट्रेन का जोरदार स्वागत हुआ और लोगों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, वंदे भारत और ट्रेन चालक टीम पर फूलों की वर्षा करके उनका भव्य स्वागत किया। रिपोर्ट अंकित जैन। तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसी तरह से जो पैसेंजर ट्रेन की बात कही या एक और ट्रेन की बात कही उसके ऊपर बहुत जनता मिलना होगा। आपको याद होगा एक बार इसी तरह से भाई साहब ने एक पर्टिकुलर आपने बात एक बात कही थी 10-12 घंटे के अंदर अंदर उस पर निर्णय हुआ है। तो बहुत जल्दी निर्णय ले लगा तो मोदी जी की सरकार है। सर यात्रा पहली कैसी रही आपकी? बहुत गौरव का अनुभव हुआ। कहाँ से बैठे सर आप? सहारनपुर से देवबन तक यात्रा की। अच्छा अच्छा। और बहुत गौरव का अनुभव हुआ, एक अद्वितीय अनुभव हुआ मुझे और ये मेरे जीवन का एक अमूल्य अनुभव। जी कैसा लगा भाई साहब? भाई साहब बहुत अच्छा अनुभव हुआ। ट्रेन कैसी लगी? बहुत अच्छी ट्रेन है, सभी सुविधाओं से लेस है। मोबाइल की चार्जिंग वगैरह सभी सुविधाएं ऐसी देखी है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस हमारी ये ट्रेन है। मोदी जी के बारे में कोई राय है? बस मोदी जी तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और सभी लोगों को सबका साथ और सबका विकास। हाँ गुड़िया आपका नाम? मेरा नाम अंजलि कुमार है। हाँ और ट्रेन बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल फैसिलिटेड है, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को सहारनपुर से यहाँ देवबन तक आकर। इवन बहुत स्मूथ भी चलती है, बहुत सुंदर इंटीरियर है, बहुत सुंदर गाड़ी, देश की गाड़ी, मेक इन इंडिया। क्या कहना चाहोगे मोदी जी के बारे में? मोदी जी के बारे में मोदी जी के बारे में आपने बनाने से पहले भी गाड़ी तो हो ही नहीं सकती। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देवभूमि उत्तराखंड और गंगा जमुना गंगा के इस पवित्र जगह पे सब जगह जो आपके सहारनपुर, रुड़की, हरिद्वार और आज देवबन सब इस पूरे रूट के लिए एक बहुत बड़ा उपहार दिया है वंदे भारत ट्रेन का। और साथ ही मेरे भाई ब्रजेश सिंह जी ने बात की है यहाँ की देवबन की विशेष परिस्थितियों के बारे में, उसके ऊपर भी बहुत जल्दी निर्णय लिया जाएगा। मंत्री जी जो आज ये स्वागत किए हैं सहारनपुर को, क्या कहेंगे इसको? 2014 के बाद का बदला हुआ भारत, मोदी जी का नया भारत, नए संकल्पों का भारत है। 2017 के बाद का नया उत्तर प्रदेश योगी जी के संकल्पों का उत्तर प्रदेश है। आज पूरे देश के अंदर विकास की गंगा बह रही है और जिन ट्रेन्स को हम लोग विदेशों की धरती पर दौड़ते हुए देखते थे आज उन्हीं ट्रेन्स के जैसी उससे अच्छी क्वालिटी की ट्रेन्स देश के विभिन्न नगरों में दौड़ रही हैं। आज उसी कड़ी में देहरादून से दिल्ली की वंदे भारत की सौगात उत्तर प्रदेश को मिली है। माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी उस ट्रेन को देहरादून से लेकर दिल्ली की तरफ के लिए बढ़े हैं।
देवबंद के अंदर मैंने उनसे आग्रह किया था कि देवबंद की जनता, जो आपने एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन का यहाँ मॉडल दिया है और आने वाले समय में कुछ और ट्रेन की सौगात देवबंद को भी मिलेगी, उस नाते देवबंद के लोगों ने उनके स्वागत का आग्रह किया था। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय रेल मंत्री जी को कि उन्होंने इस आग्रह को स्वीकार किया और देवबंद की जनता ने आज उनके यहाँ आगमन पर बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत किया है। मैं अपने देवबंद वासियों को, देवबंद विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को इसके लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।